ये लाहौर में जो अब इन्होंने जलसा किया 2011 का जलसा इससे 5 गुना बड़ा था, लेकिन जब 13 में इलेक्शन हुआ तो पूरे पंजाब की 146 में से 7 सीटें थी इनके पास और पूरे मुल्क में 26 सीटें थी। ये इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन जब आपने जाना है हलकों में तो हमें आपको ये 4 साल का जो है हिसाब जो है वो देना पड़ेगा, जो मुल्क की तबाही की है आपने, इकॉनमी की तबाही की है और जिस तरह से आपने अदारों का बिड़ा गर्क किया है। पीआईए जो है वो 70 साल से सहक रहा था, मरा नहीं था, इन्होंने एक बयान दे के उसको जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली है। वो दुनिया ने जहां कहीं और भी हमारे पायलट काम कर उनको भी निकाल दिया और पीआईए भी जो है उसका भी बैठा बैठ गया, वो भी जो है वो खत्म हो गया। तो ये मामला जो है ये इनको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और इस तरह से जब इनकी हुकूमत अब खत्म हुई है तो इन्होंने इस जो है वो हिसाब से बचने के लिए एक बयानिया बनाया है कि अगर लोग पूछें कि जी आपने ये महंगाई क्यों की, आपने इस मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क किया, तो हम कहेंगे जी वो हमें तो अमेरिका ने निकाल दिया। यानी इस बात का जवाब नहीं देना, हमें अमेरिका ने निकाल दिया। और अब कहता क्या है कि जी वो हम अपनी आजादी का सफर दोबारा से शुरू करेंगे। अजीब आदमी है, हमें आजाद हुए 74 साल हो गए हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं, हमारा दुनिया में एक मकाम है, वो हमें 74 साल पीछे ले जा रहा है कि जी हम वहां से जो है वो शुरू करेंगे 1940 से। तो ये इनकी चीजें जो है वो इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन के मैदान में सामने आएंगे तो इनके सामने आएंगी।